तूने संभाला मुझे अपने बालों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बालों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बे असर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। अब तक तूने संभाला मुझे अपने बालों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपने बालों में लिए हुए। प्रभु तू यहोवा ईरे है, तो हमारे लिए काफी है। प्रभु यहोवा राफा है, तू चंगा करता है। यहोवा शम्मा है, तू संग रहता है। प्रभु सारी जरूरतों को पूरा कर दिया। यहोवा ईरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। चंगा मेरी चंगाई तेरे गावों से, यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत को पूरी करता है। यहोवा शम्मा तू संग रहता, सालों में प्रभु यहोवा इलोहिम है। प्रभु तू यहोवा इलोहिम है। प्रभु तू हालेलुया। यहोवा इलोहिम सृजनहारी, सब रचा है वचन
कोई है यहोवा शालोम तू शांति दाता भी है शांति तूने मुझे यहोवा शालोम तू शांति दाता भी है शांति तूने मुझे वाह ओ तेरी स्तुति
जीवन तेरी आराधना में तन मन धन करता समर्पण आत्मा जीवन तेरी आराधना मैं तन पवित्र आत्मा ओ धन्यवाद ओ तेरी स्तुति आराधना आत्मार जीवन तेरी आराधना में तन मन धन तेरी आराधना में तन मन धन प्रभु का महिमा करेंगे स्तुति करेंगे हालेलुया। उसने हमारा जीवन में किया हुआ बड़े बड़े कामों के लिए धन्यवाद करेंगे हालेलुया 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 धन्यवाद धन्यवाद। 777 यीशु मेरे तेरे प्रेम ने इस दिल को चू लिया है मुझको है मिला सर्वोत्तम बार हरदम मैं तेरी स्तुति करूंगा मुझको है मिला सर्वोत्तम बार हरदम करूंगा जो भी मांगा है मैंने तुझसे तूने दिया है दया से मुझे जो भी मांगा है मैंने तुझसे तूने दिया है दया से मुझे तू ही हरदम मेरा सहाय चढ़ गया हूं अभी आगे से मैं नहीं जीवित हूं क्रूस को छोड़कर मेरी महिमा और न कहीं है इस जग में क्रूस को छोड़कर मेरी महिमा और न कहीं है इस जग में
तेरी स्तुति करूंगा। आमीन। मुझको मिला है सर्वोत्तम बाग, हरदम मैं तेरी स्तुति करूंगा। धन्यवाद करें। पवित्र पवित्र है सेनाओं का प्रभु। 705 पवित्र पवित्र है तू सेनाओं का प्रभु, नई समाता है तू स्वर्गों के स्वर्ग में भी। पवित्र पवित्र है तू सेनाओं का प्रभु, नई समाता है तू स्वर्गों के स्वर्ग में भी। पवित्र पवित्र सेनाओं का प्रभु, पवित्र पवित्र युगान युग। पवित्र पवित्र सेनाओं का प्रभु, पवित्र पवित्र युगान युग। न्याय और धर्म तेरा मूल सिंहासन का, अद्वैत अधिपति राजाओं का राजा। न्याय और धर्म तेरा सिंहासन का, अद्वैत अधिपति राजाओं का राजा। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र पवित्र युगान युग। पवित्र पवित्र सेनाओं का प्रभु, पवित्र पवित्र युगान युग। तेरी है अमरता अदृश्य परमेश्वर, अगम्य ज्योति में रहता तू ही सदा। तेरी है अमरता अदृश्य परमेश्वर, अगम्य ज्योति में तू ही सदा। पवित्र पवित्र सेनाओं का प्रभु, पवित्र पवित्र युगान युग। पवित्र पवित्र सेनाओं का प्रभु, पवित्र पवित्र युगान युग। पवित्र है युगान युग, न्याय और धर्म है तेरे सिंहासन का, फाउंडेशन है
सनातन रहने वाले, करने वाला, सदा काल राज्य करने वाले, अद्वैत पति पति अदृश्य परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है। आदर महिमा स्तुति धन्यवाद के लिए योग्य है। सामर्थ्य धन और ध्यान ज्ञान पवित्र 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 है तू सेनाओं का प्रभु पवित्र है। धन्यवाद सब लोग पवित्र स्तुति करें। हालेलुया धन्यवाद तू पवित्र है। ओरा बरा 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 दूरा बरा बरा हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया धन्यवाद 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 हालेलुया 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 हालेलुया। आज हम ऐसे एक दूसरा दृष्टांत में जा रहे हैं। ये मत्ती रचित सुसमाचार में है, 13वां अध्याय 44 से लेकर 46 तक है। यहाँ पर यीशु मसीह का दृष्टांत है, दो दृष्टांत है। दोनों दृष्टांत का मकसद है, मतलब है, एक ही है, उसका मनन करने जा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 44 से लेकर 46 तक पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा लिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। यहाँ पर इस जगह पर क्या क्या हम देख रहे हैं, एक मनुष्य है, एक खेत है। क्या है? एक मनुष्य है, एक खेत है, और तीसरा चीज छिपे हुए धन है। कहते हैं खजाना, ट्रेशर। हाँ, कभी कभी स्टोरीज पढ़ते हैं कि लोग ट्रेशर हंटिंग है ना, खजाना खोजने वाले होते हैं। कभी कभी लोग पुराना शिप जो सदियों पहले के पुराना वाला शिप डूब गए होंगे और उसमें भी कोशिश करते हैं जाके कुछ मिल जाए। उस जमाने के जहाज में क्या क्या सामान रहा होगा, सोना चांदी अनमोल चीज़ें हैं, लेने के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक मनुष्य है, एक केत है, छिपे हुए धन है। और इस दृष्टांत में उस मनुष्य को वो छिपे हुए धन अचानक मिल गया है। अचानक एक्सीडेंटली, कोई इंग्लिश बाइबल में लिखा है, मैं पढ़ रहा था, एक्सीडेंटली अचानक उसको छिपे हुए धन मिल गया। छिपे हुए धन मिल जाता है कुछ लोगों को अपने आप से, मतलब ज़्यादा मेहनत तो किया नहीं, उसने जाते रहा होगा, कहीं रास्ता में पता चल गया, कोई थैली मिल गए, थैली में करोड़ करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, रास्ता में मिल गया तो कैसे रहेगा, हाँ क्या करोगे, चौंक जाओगे। यहाँ पर आदमी का ये है, करोड़ करोड़ रुपया से भी बड़ा खजाना, छिपे हुए धन, शायद जमीन के अंदर है तो कहीं थोड़ा बहुत उसको दिखाई दिया होगा, तभी तो बात है, कहीं बक्सा दिखे होंगे, है कि नहीं। सपोज अभी हम पाल में रहते हैं, हमारा बगल में जमीन है 5 नंबर और आगे भी कुछ प्लॉट है जिसमें पता चल गए हैं एक बक्सा पड़ा हुआ है, बक्सा के अंदर 50 करोड़ सोना पड़ा है, तो क्या करोगे, हाँ क्या करना चाहिए भाई, वो प्लॉट वहाँ पर 1 करोड़ है, क्या करोगे, हाँ खरीदना है, खरीद लो, कितना करोड़ है, 1 करोड़, 1 करोड़ मतलब 100 लाख। तो यही कहानी है, मैं सिंपल वे में बताता हूँ,
अभी वैसे यहाँ पर भी है जमीन, बहुत बड़े जमीन है, सपोज वहाँ पर 100 करोड़ अंदर पड़ा हुआ है। मालूम नहीं ना, हमको मालूम नहीं, कोई रखे होंगे, नहीं भी रखे होंगे मालूम नहीं, रखा है तो पता चल गया तो क्या करोगे उसके लिए, क्या करेगा? यहाँ पर स्वर्ग के राज्य की बात हो रही है, पैसे की बात नहीं, पैसा नहीं, छिपे हुए धन है, स्वर्ग का राज्य एक छिपा हुआ धन है, लोगों को दिखता नहीं, लोगों को महसूस होते नहीं हैं, उनको इतना समझ में नहीं आता है, ये बड़ा धन है, यीशु मसीह धन है, स्वर्ग का खजाना है, अनमोल मोती है, एकमात्र आशा है, इस स्वर्गीय धन छिपे हुए धन है, लेकिन आपको मिलेगा इस पृथ्वी में, मिलेगा कहाँ मिलेगा? पृथ्वी में। मरने के बाद पा नहीं सकोगे, मरने के बाद जाके यीशु जी को पा लूँगा वो पॉसिबल नहीं है। यहीं पर इस जमीन पर बोया गया, यीशु मसीह अपना आप को इस पृथ्वी पर बोया, 2000 वर्ष पहले गेहूं की दाना बनकर अपना आप को बोया, इस छिपे हुए धन है, सुसमाचार की वचन है, अनमोल खजाना है, यीशु मसीह हमारे लिए अनमोल धन है, लेकिन इस पृथ्वी में मिलेगा, गुप्त स्थान में मिलेगा, कलिसिया में मिलेगा, एक एक विश्वासी में मिलेगा, जो पा लिया, जो कलिसिया को पा लिया, वो यीशु का उस धन को ओलक देख लिया, खोज निकाला, डिस्कवरर। आप डिस्कवरर है क्या? साइंटिस्ट E=MC², अल्बर्ट एम्स्टीन और आइज़क न्यूटन, ये लोग डिस्कवरी किया, न्यूटन थर्ड लॉ मालूम है, फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो न्यूटन का थर्ड लॉ है। वैसे ही काफ़ी सारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैं, वो लोग पता ऑलरेडी है, वो लोग उसको खोज निकाला, और जब आर्किमिडीज को इतना आ गए बात, रोप पहन के भागने शुरू कर दिए, यूरेका, आज यूरेका करके नाम भी है, कंपनी का नाम है, यूरेका मतलब मैंने निकाल दिए, मुझे पता चल गए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब लोगों ने ढूंढ के निकाले मुश्किल से, उसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में, कितने ढूंढते हैं आज भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोग अभी भी बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं? अभी कोई बता रहे थे 25 साल 2025 बोलते थे मोबाइल ज़रूरत नहीं है, है ना? लोग अभी बोलते मोबाइल एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, अभी मोबाइल ही नहीं है तो मोबाइल बगैर कुछ ना कुछ चिप लगा है, क्या लगा हमको मालूम नहीं, लेकिन दुनिया ऐसी ऐसी खोजते रहते हैं, लेकिन एक जो खोज निकालना है उसके लिए आंख बंद रहता है, अनजान रह जाते हैं। तुम क्या हमेशा अनजान रहोगे? तो हमेशा अंधा रहोगे, तो हमेशा देखते हुए भी नहीं देखोगे, सुनते हुए नहीं सुनोगे। मेरा पुत्र को मैंने भेजा है, अनमोल धन को मैंने भेजा है, तुम्हारा पापों के लिए बोया गया, पुनर्जीवित हो गया, स्वर्ग स्थान में मेरे दाहिने और है, उसका सुसमाचार को प्रचार करने के लिए कलिसियाओं में मेरे दास लोगों को रखा है, उनके द्वारा वो धन को पाने बगैर तुम क्यों रहना है? कितने देरी करते रहोगे? उस धन को पाएंगे कि नहीं? पाया है तो क्या करना है? धन को पाया है, इस आदमी ने क्या किया? आनंदित हो गया। क्या हो गया? आनंदित होना है। आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आपके जीवन में अगर यीशु को पा लिया तूने, हम गाना गाते हैं, यहोवा यीरे, हाँ, यहोवा यीरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए, तू काफी है, बड़ा धन है,
स्वर्ग का खजाना है। आनंदित रहो, प्रभु में तृप्त रहो, संतुष्ट रहो, मन की खुशी है, हड्डी में चंगाई है, शरीर में चंगाई है, आनंदित रहता है। यहाँ पर ये आदमी खजाना मिल गया, पास्टर जी मुझे वो मिल जाएगा, आनंद हो जाऊंगा, मुझे थोड़ा नौकरी ही, अभी एडमिशन ही चाहिए पास्टर जी, ठीक है मिल गया। बाद में बोलेंगे पास्टर जी मुझे पास करना है, ठीक है वो भी हो गई। बाद में पास्टर एक नौकरी चाहिए, ठीक है वो भी हो गई। बाद में बोलेंगे पास्टर एक जीवन साथी चाहिए, वो भी हो गए। बाद में बोलेंगे पास्टर जी मेरा संतान चाहिए, वो भी हो गए। फिर क्या करोगे? वो बेटा का एडमिशन, तुम भी प्रार्थना करो, ओ अन्ना प्रार्थना करो, मेरा बेटी का आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला। ओ कुछ लोग आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला था, ऐसा लगेंगे घर में कुछ मौत है हो गए। हमारा तमिलनाडु की बात करो, यहाँ इतना नहीं है, लोग एजुकेशन के लिए इतना पागलपन है। कोई लोग मेडिकल सीट नहीं मिला तो सोचेंगे प्रभु बेकार है, प्रभु भला नहीं है, प्रभु भला होता मुझे मेडिकल सीट। भाई मेडिकल सीट के लिए तुम पढ़ा नहीं है, मार्क नहीं लिए, प्रभु कभी अन्याय भी नहीं करेंगे, ये भी समझ लेना। दुनिया में अविश्वासी भी अगर अच्छा मार्क ले लिए, उसको देने बगैर आपको प्रभु धक्का नहीं दे, आपके लिए अद्भुत काम तो करेंगे। लेकिन आनंदित रहना चाहिए, खजाना मिला है तो उस खजाना को अप्रिशिएट करो, उसमें आनंदित रहो, उसको रखे रहो, संभालो। खजाना मिल गए, आंखें खुला नहीं, लोगों की आंखें इसलिए देख नहीं पा रहे हैं आपके आंख। यीशु ने बोला तुम्हारा आंख देखता है, तुम्हारा कान सुनता है, तुम धन्य हो। बोलिए मैं धन्य हूँ, मेरे आंख देखता है, मेरे कान सुनता है। आई कि नहीं? अभी देखो यहाँ पर कोई आदमी आकर के ला के पढ़ाई करे, ला ला होते हैं ना, ला नियम नहीं, वो लाम नहीं है, वो बैचलर ऑफ लॉ, लीगल 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 लैंग्वेज में बड़े बड़े भाषणबाजी देंगे, कोर्ट का जो चीज़ें हैं, आर्टिकल ये है, ये रूल ये है, हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। ऐसे यहाँ आत्मिक दुनिया है, आत्मिक धन है, शारीरिक मन से ये नहीं समझ में आएगा, आत्मा में घुस जाएंगे, आत्मा में रहेंगे, आत्मिक धन आपको दिखाई देगा। नहीं तो कलीसिया में आपको लगेगा वही बार बार वही पास्टर जी यही बोल रहे हैं, लेकिन ये वही नहीं है। अनमोल खजाना की बात हो रहे है, स्वर्गीय रहस्य की बात हो रहे हैं। दुनिया में बड़े बड़े हाकिम लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, उनका ये गुप्त ज्ञान पता नहीं चला मालूम है। पढ़ेंगे तो पहला कुरिन्थी दो में, पहला कुरिन्थी दो, वो लोगों के पता नहीं चलता था परमेश्वर का गुप्त ज्ञान। पहला कुरिन्थी दो का सात, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, हमारा महिमा के लिए ठहराया। गुप्त ज्ञान, वो ज्ञान के पीछे सनातन की महिमा, गुप्त ज्ञान छिपे हुए धन है, इसके पीछे महिमा है। उसमें 1 करोड़ दे करके जमीन ले लेगा तो भी आपका नुकसान नहीं है। मैंने एग्जाम्पल दिया, 1 करोड़ दे के जमीन ले लिए, बाद में खोदेंगे 50 करोड़ आपको मिल जाएगा। यही यीशु जी का कहना है, आपको मालूम होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। गुप्त ज्ञान है, हमारा महिमा के लिए है, हमारी भलाई के लिए है, हमारी प्रगति के लिए है। परमेश्वर को पा लिया हमने, हमारे जीवन में हर क्षेत्र में आशीष मिलेगा। आनंदित रहो, तृप्त हो जाओ, खुश हो जाओ। जो धन मुझे मिला है, काफ़ी बड़े बड़े लोगों को नहीं मिले, दुनिया के हाकिम लोगों को नहीं मिले। मैं समझा रहा हूँ, कलीसिया के लिए ये ज्ञान ज़रूरी है। हाँ, इतना बड़ा लाखों करोड़पति है, कुछ नहीं है, इसे बड़ा आपके पॉकेट में है, हमारा मन में है, हमारा दिल में है। दिल में तू गाना गाते हैं,
दिल में जा में होठों में आंखों में तू है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही, तू ही है, तू ही है, तू ही है बड़ा धन, तू ही है, तू ही है धन, तू ही है, तू ही है धन, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है धन, तू ही। वही जवान लोग ऐसे गीत रचाते, मेरे को आनंद होते। एक जवान भाई ने गीत गाया, तू ही है दिल में, तू ही बस गए जिंदगी भर के लिए, मेरा प्यारा बन गए, मेरा मैं दीवाना हो गया हूँ। ऐसे दीवाना हो जाओ, यीशु के प्रेम में डूब जाओ, प्यारा धन है, गुप्त ज्ञान है, महिमा के लिए है, छिपे हुए धन है, इसके पीछे आशीष है। भले अभी उसको देखो, धन है इसमें कैसे निकाला होगा, ऐसे हाथ से हाथ से भी निकल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। और रात में छुपे छुपे करना पड़ेगा। अब एक कहानी मैं बता रहा था, पाल में भी एक आदमी को मिल गए बगल में ऐसा ज़मीन, उसने चुपके से बीबी को बोला, अरे मेरे बीबी, हमारे बगल में एक प्लॉट है, उसमें कुछ मैं देख रहा था, अंदर में बक्सा पड़ा है, और ढक्कन खोल के देखा था अंदर में बहुत सारा खजाना सोना पड़ा हुआ है, किसी को नहीं बोलना। हाँ, किसी को नहीं बोलना, वेट करते हैं सुबह आने दो। हाँ, 8 बजे बोला बीबी को तो चैन नहीं हो रहे, बोल देते हैं कम से कम बगल वाला को, पड़ोसी के पास जा कर के किसी को नहीं बोलना। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे किसी को बोलने का नहीं, आप भी किसी को नहीं बोलना। उसको बता दिए, वो क्या किए, 88 नंबर से 89 में बोले, 89 वाला 90 नंबर में जाके बोलते थे, हमको पता चल गया ऐसी ऐसी बात है, किसी को नहीं बोलना। 90 वाला क्या किया, 91 में, बाद में 96 तक चला गया, 100 तक चला गए, 100 वाला ने देखा, अरे ऐसा है बात है, किसी को बताएंगे नहीं, 4 बजे ही ना चल रहे जे ना मे जे जे सी बी JCB लगा देते हैं, पूरा बक्सा को उठा के ले चलते हैं। 4 बजे से उसने JCB लेके गया, JCB वाला पूछा, अभी क्या है रात में पूछ रहे हो, कुछ नहीं यार, कितना चाहिए बोलो भाई, 50,000 देना पड़ेगा, कोई बात नहीं, 50 क्या, 60,000 दे रहा हूँ, आ जाओ। JCB वाला को क्या मालूम, अरे 50,000 दे रहा है, कुछ तो घबरा होगी, कोई बात नहीं आ जाता हूँ। रात ही रात चुपके से जा कर के निकाल के चला गया, ये ऐसे इमेजिनरी स्टोरी है। कुछ नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, कभी कभी खजाना मिल गए, सब जगह में जाकर डग 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 डोल पिटते ना, ऐसा पिटने का नहीं, अंदर रखना है, उसको समझना है, उसके अच्छी तरह आपका जीवन में अनुभव करना है। कभी सबके पास जाके बोलने वाले, बोलना तो है बात में, पहले आप उसको अनुभव करो, अनुभव करने के बाद दूसरों को बोलते हैं, है ना, पाने के बाद बोल सकते हैं, है कि नहीं, धन हाथ में आ गए, बैंक में पैसा आ गए हैं, बाद में भी सबको बोलने का ज़रूरी नहीं है। मोती को लेकर के सुगर के आगे कभी फेंकना नहीं। तो यही यीशु जी बोलते हैं, आनंदित हो जाओ, उसको संभालो, उसको रखे रहो, उस धन को अप्रिशिएट करो। कभी कभी लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कुछ लोगों को देखा मैंने, धन्यवादी दिल नहीं होते, धन्यवादी दिल नहीं, सीखना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। मिसेस अगर आपको काफ़ी दिए, चाय दिए सुबह सुबह,
क्या तुम चीनी न डाले हाँ क्या बोलेंगे हाँ धन्यवाद बोलना है ना, अप्रिशिएट करो धन मिल गए प्रभु जी आपने दिया आशीष के लिए धन्यवाद। गुप्त ज्ञान हमको दिए, बड़े बड़े हकीम लोगों को नहीं मिला, बड़े बड़े ज्ञानवान को नहीं मिला, ज्ञानवान को छुपा कर हमको प्रकट किए। हम तो आम लोग हैं, हम तो अलतू फालतू थे, नालायक थे, लेकिन आप हमको प्रकट किए प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम लायक नहीं थे, टूटे हुए थे, फिसे हुए थे, पड़े हुए थे, लेकिन आज हम देख लिए, आपको पा लिए, ऐसा करके आनंदित हो जाना। इस धन को संभाले रखो, कभी उठा के फेंकना नहीं है। परीक्षा आता है मुझे भी आपको भी, फेंकने के लिए, छोड़ने के लिए, लेकिन समझ लीजिए ये जिंदगी भर कभी नहीं छोड़ना। गाना गाते मुझसे जो न चिना जाए, हाँ मुझसे जो न चिना जाए, उत्तम भाग तू पाया जो मैंने सदा के लिए, मुझसे जो न चिना जाए, उत्तम भाग तू पाया जो मैंने सदा के लिए, अच्छे अच्छे स्थान है मुझको मिले, तू मेरा सर्वोत्तम मीरास, अच्छे अच्छे स्थान है मुझको मिले, तू मेरा सर्वोत्तम मीरास, तू मेरी आशा, तुझ पर भरोसा रहता है आगे मेरे, तू ही सदा तुझ में अब मैं आनंद मनाऊ, तेरे संग संग चलता रहूं, तू मेरी आशा, तुझ पर भरोसा रहता है आगे मेरे, तू ही सदा तुझ में अब मैं आनंद मनाऊ, तेरे संग संग चलता रहूं। ये गायक क्या बोल रहे हैं, तुझ में मैं आनंद, इसका गायक कौन है मालूम है? दाऊद भजन संगीता 16 का वचन है, उसी में से हम लोग ने बनाए हैं। तुझ में आनंद मनाऊं, तेरे ही संग चलता रहूं, तू मेरी आशा, तू मेरी भरोसा, आनंदित होना है, प्रभु में मगन होना है, प्रभु में खुश होना है। धन मिल गया उसको संभालो, मुझे इतना वचन मालूम है, ये मालूम है, डिंगे मारने से फायदा नहीं, उस वचन को काम में लाना है, उस धन को पाना है, पाते रहना है, जितना भी पा लिया तो भी काफ़ी नहीं, ऐसा धन है कभी निकलने वाले नहीं, मुझसे न छीनने वाले ऐसी चीज़ है। यीशु मसीह मरियम से कहते थे, मार्था बोलते थे, प्रभु जी मेरा कैटरिंग डिपार्टमेंट है, हाँ कौन सा डिपार्टमेंट, कैटरिंग, देखते हैं ना कैटरिंग वाला का क्या काम है, खाना बना के देना, खाना बना के दे रहा था मार्था, ये दे करके बैठ के वचन सुन रहे थे, तो यहाँ प्रास्ते जी टाइम पास कर रही है मरियम क्या कर रही है, हाँ टाइम पास, क्या वचन वचन कितना सुनते रहेंगे आप, तो बोलते रहेंगे हम भी सुनते रहेंगे क्या, हाँ बोलते रहेंगे तो ऐसा बोलते रहेंगे, कभी कभी आपको ऐसे आत्मिक दुनिया में रहेंगे ना, कभी हम एक मीटिंग में जाते थे तमिलनाडु में, एक प्रभु के दास उसका मीटिंग में हम लोग जाते थे, सुबह 10 बजे वचन शुरू करेगा, सोचे कितना बजे तक रहता होगा मीटिंग, हाँ 4 बजे, इतना घंटा 6 घंटा सुन पाएंगे, हाँ नॉर्मली 4 घंटा, सही बात बोले आपने, 4 बजे तक होते हैं, कभी कभी 6 बजे भी हो जाता, कभी 8 बजे भी हो जाता है, कोई हिलता भी नहीं, कोई टॉयलेट के लिए बाथरूम के लिए जाएगा भी नहीं, ऐसे पवित्र आत्मा की महिमा इजिक चर्च में भी ऐसे दिन आने वाला है, लोग यहाँ पर ऐसे प्रभु में डूब जाएंगे आराधना के समय में। इन दिनों में थोड़ा हमारा इधर में कमियाँ हो रहा है, मेरे बच्चे लोग पता नहीं हम लोग का गलती है क्या मालूम नहीं, लेकिन हम बहुत हम दुख होते हैं, गाना तो अच्छा गाते, बच्चों लोग भी गाते, सब गाते हैं,
लेकिन प्रभु को क्या देना चाहिए? आराधना देना है, आनंदित है हो करके प्रभु को देना है। खजाना मिला है तो थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है। जैसे मनुष्य को धन्यवाद बोलने के लिए सीखोगे, परमेश्वर को भी अपना आप धन्यवाद देते रहोगे। टेकन फॉर ग्रांटेड बोलते इंग्लिश में, मतलब अरे तुम तो देना ही था ना, तुमको तो चाय बनाना ही था, हाँ तुमको तो करना ही था, क्या कर दिया तुमने, बड़ा कुछ भी नहीं किया। दूसरा होता तो भी करता है, इस ढंग से नहीं बोलना। धन्यवाद होना, आनंदित होना, उसको रखे रहना, संभालना, उसके लिए आनंदित होना, उस दान को जो मिल गए हैं मिलते रहेगा, आखिरी तक मिलना है। उस दिन महत्वपूर्ण है, उसको खोना नहीं, पाए हुए चीज़ों को खोना नहीं। खोए हुए चीज़ों को पा लिया, बोलिए खोए हुए चीज़ों को मैंने पा लिया, पाया हुआ चीज़ों को मैं नहीं खोऊंगा। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स पता नहीं मेरे को अचानक आ जाता है, कभी लिख के रखो बच्चे लोग, कभी फोटो में ऐसे ऐसे मारो, फ्रेम करके अपने घर पे रखो। कोई हुआ चीज़ को पा लिया, पाए हुए चीज़ को खोना नहीं, कोई हुए चीज़ को पा लिया, पाए हुए चीज़ को खोना नहीं। बार बार उसको टाइप मारो, रिपीट करो, मन में बैठा दो कि गुप्त ज्ञान मिल गए, आनंदित रहना, उसको अप्रिशिएट करना, धन्यवाद कहना। हाँ दुनिया में पॉलस लिख रहे रोमियो 1 में, लोग धन्यवाद नहीं किए, धन्यवाद नहीं किए, उसको योग्य आदर नहीं किए। इतना महिमामय परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी का बनाया परमेश्वर की महिमा सृष्टि से पता चलता है। जो जो तारागण के बारे में लोग देखते थे टेलीस्कोप में, कुछ चीज़ों के बारे में तारा समझते थे उस जमाने के टेलीस्कोप से, अभी और भी संशोधन करने वाले रिसर्चर्स और भी बड़ा बड़ा टेलीस्कोप लगा करके देखा, अभी बोल रहे हैं वो तारा नहीं है, वो भी एक गैलेक्सी है। इतने सारे गैलेक्सीज, कितने सारे, इतना महान बनाए, उसको योग्य धन्यवाद नहीं किए करके रोमी 1 में लिख रहे, इसलिए लोगों की आंख बंद हो गए, लोग नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए वो लोग महिमा में प्रभु को नहीं जाना। पहला कुरिन्थी 2:8-9 पढ़ना, आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, इंसान के दिल में आया नहीं। 1 Corinthians 2:8-9 भी पढ़ना। जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना, बड़े बड़े गुरु लोग, बड़े बड़े महान लोग नहीं जाना। आगे, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते, क्रूस पर न चढ़ाते। आगे, परंतु जैसा लिखा है, लिखा है, जो बातें आंख नहीं देखी, आंखों ने नहीं देखी, और कान ने नहीं सुनी, कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तैयार के, वही अभी हम गाना गाए 763, तैयार किया है जो परमेश्वर ने उसको चाहने वालों के लिए। देखा है ना आंखों ने, कानों ने सुना नहीं, इंसान के दिल में कभी भी आया नहीं। ऐसे धन मिल गए, बड़े बड़े खोज करने वाले रिसर्चर्स को नहीं मिला, लेकिन हमको मिल गया। कैसे हमको मिल गया? आगे लिखा रहे कैसे मिला हमको। अगला वचन पढ़िए, 10वीं आयत। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। जांचता, पवित्र आत्मा के द्वारा मिल गए। आप पवित्र आत्मा पालिए, खजानों को पालिए, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की गूढ़ बातों को आपके हृदय में बोया जाता है। हमको परमेश्वर प्रकट किया, हमको छुपाया नहीं। दुनिया के लिए छिपे हुए धन हैं, लेकिन हमारे लिए वो अपन सीक्रेट है। क्या है वो अपन सीक्रेट? सीक्रेट है दूसरे लोगों के लिए, रहस्य है, भेद की बातें हैं। पौलुस बोलते भेद की बातें हम प्रकट कराते हैं, सीक्रेट को हम बता देते, यही भाई एकमात्र मोती, एकमात्र रास्ता, यही धन है, इसमें आनंदित होना,
इसको रखे रहो, इसको पाना है। पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाएगा तो भी कोई वादा नहीं। जिस चीज़ों का महत्व समझेंगे उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। कुछ लोग संतान नहीं मिलता करके 15-20 वर्ष वेट करते रहते। कुछ लोगों को देखा मैंने, बाद में क्या करते, डॉक्टर लोग बोलते इतना लगेगा, इतना खर्चा लगेगा। बोलते कोई बात नहीं, हमको संतान चाहिए, कुछ भी देने के लिए हम तैयार है। इस ढंग से बच्चा के लिए लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर अनमोल खजाना है। बच्चा तो चाहिए, लेकिन इब्राहिम जैसे आदमी ने क्या किया मालूम है? परमेश्वर से बच्चा मांग कर थक गया। 25 साल के बाद, हाँ कितने साल के बाद, 25 साल के बाद बच्चे को दिया। बच्चा बढ़ गए, प्रभु ने कहा तुम्हारा है बच्चा है क्या? हाँ प्रभु, मेरा एकलौता बेटा है। इसहाक मेरा एकलौता बेटा है। प्रभु ने बोला तुमको इसहाक चाहिए? नहीं, मैं चाहिए। क्या क्या सवाल पूछ रहे? बहुत ही कठिन क्वेश्चन पूछ लिए। हाँ, एक ही क्वेश्चन है, कभी एक ही क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन आ गए एग्जाम पेपर में, गए देखा दो क्वेश्चन होता तो ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन। बोलते इसहाक चाहिए, नहीं तो मैं चाहिए। प्रभु जी मुझे इसहाक भी चाहिए, आप भी चाहिए। तो क्या किया इसहाक ने, सॉरी इब्राहिम ने? इब्राहिम ने बोल दिया प्रभु मुझे आप चाहिए। तू काफ़ी है मेरे लिए, तू काफ़ी है मेरे लिए। विश्वास होना पड़ता, देखो विश्वास से इब्राहिम ने लिख रहे हैं, विश्वास से माले में वहाँ लिख रहा है उसको माले में। प्रभु ने अगर मांगा मैं दे दूंगा तो भी, अगर मरेगा तो भी मेरा प्रभु उसको क्या कर देगा? जिंदा कर देगा। हाई नहीं, उसको हाई करके बुलाने वाले, मरे को जिंदा करने वाले, उसके पर विश्वास करके अब्राहम को दे दिया, सॉरी इसहाक को दे दिया। बाद में प्रभु को पा लिया तो माले में इसहाक को भी वापस। यही हम प्रभु के लिए जो खोते हैं, हम सोचते हैं खो गए, नहीं खोते नहीं, बोते हैं। क्या खोते नहीं, बोते हैं। बोने से 100 इसहाक मिल गए। अभी इब्राहिम स्वर्ग में जाएंगे, हम सब उसका इसहाक है। बाइबल में लिखा है, गलती में बाइबल स्टडी किए थे, हम सब आत्मिक इसहाक, हम सब उसके संतान हैं। उसने एक इसहाक को बोया, हाँ कितना लाखों करोड़ इसहाक उसको मिल गया। आज खोएंगे नहीं, प्रभु के लिए देने वाले, हाँ कभी नष्ट नहीं होंगे। देने के लिए सोचो मत, प्रभु के लिए जवानीपन दो, कमिटमेंट करो, है कि नहीं? वो धन है, उसको पाने बगैर रहना जाना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा पास्टर जी? कितना तपस्या करना है, कितना उपवास करना है? देखो उपवास भी करनी है, बाइबल स्टडी करनी है, रोज प्रार्थना करनी है, लेकिन सही जगह पर ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है? सही जगह पर। अगर खोदते रहेंगे जहाँ खजाना नहीं है, हाथ से भी खोदो, जेसीबी से भी खोदो, है कि नहीं? लेकिन मिलने वाला तो नहीं है। कितनी दुनिया, कितने बड़े बड़े धनवान लोग, बड़े बड़े ज्ञानवान लोग खोजते रहते हैं, लेकिन उनको नहीं पाते हैं। हम लोगों को अचानक मिल गए। मैं तो यीशु मसीह को खोज कर नहीं गया, मेरे अंदर पापों की बोझ मुझे दबा रहा था। मैं सोचा कौन मुझे छुड़ाएगा, मीटिंग में गया, बोला यीशु आपको पाप से छुड़ाएगा। मैं सोचा पाप से छुड़ा देंगे, फिर यीशु से भी छुटकारा। पाप से छुटकारा पाकर यीशु से भी छुटकारा। कुछ लोग सोचते हैं बीमारी से छुटकारा पा करके फिर यीशु से भी छुटकारा पा लेंगे।
लेकिन बाद में पता चला ये नहीं, हमको यीशु मिल गया, यीशु मिल गया, बीमारी से चंगाई मिल गया, ये नहीं है, वो तो है, लेकिन पीछे पीछे खजाना मिल गया, यीशु मिल गया। इसको धन्यवाद करो, स्तुति करो, उसके लिए धन समझो, आनंदित होना, उसको पाने के लिए कीमत चुकाना। आज यही मैं बताना चाहता हूँ, धन को देखो पहले, धन को जान लो कितना बड़ा धन है, खुश रहना और उसको पाने के लिए सही जगह पर ढूंढना है, सही जगह पर वचन में पाना है, कलीसिया में पाना है, विश्वासी के अंदर मसीह रहता है। मालूम में एक एक प्रभु के बच्चे के अंदर कुलुशियों के 1:27 पढ़ना, वहाँ लिख रहे हैं मसीह तुम्हारे में रहता है, महिमा की आशा है, मसीह तुम्हारे में रहता है, महिमा की आशा। हम एक एक विश्वासी के अंदर मसीह को पाया जाता है। कुलुशियों 1:27 जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और यह वह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। बोले मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है, मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है, मैं मसीह में रहता हूँ, मसीह मुझ में रहता है, मैं मसीह में रहता हूँ, मसीह मुझ में रहता है, मसीह मुझ मेरे लिए अनमोल खजाना है, मसीह के लिए मैं भी अनमोल खजाना है। देखो ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं ना, इसको दो इंटरप्रिटेशन है, दो व्याख्या करते हैं, दो तरफ से उसको अंडरस्टैंड कर समझते हैं। एक है अभी मैं प्रचार कर रहा हूँ, पहला इंटरप्रिटेशन में मैं जो बता रहा हूँ इसमें है, धन है हम लोग, धन है यीशु मसीह है, हमने देख लिया, हमने पा लिया, उसके लिए हम जीवन समर्पण करके पाते, वो एक मीनिंग है। दूसरा मीनिंग भी है इसका, उस मीनिंग के अनुसार हम लोग है प्रभु के लिए धन है, प्रभु जी स्वर्ग छोड़कर आया हमारे लिए, सब महिमा छोड़कर आया, उसने हमारे लिए कीमत चुकाया, उसने हमको पा लिया, हमको खरीद लिया, हमको ले लिया, हमको प्यारा समझते हैं, हमको कीमती समझते हैं। मैंने वचन प्रचार किया 1:18 में, हम अनमोल है प्रभु के लिए, कीमती है, अनमोल खजाना है, आंखें खुला रहेगा हम इसको देखेंगे, प्रभु के लिए हम अनमोल है, हमारे लिए प्रभु अनमोल है। क्या है, हाँ क्या बोला, हमारे लिए प्रभु अनमोल खजाना है, प्रभु के लिए भी हम अनमोल खजाना। 1:18-19 वचन पढ़े थे हम लोग, दोबारा पढ़ना, हम समझना चाहिए, हमारे अंदर आंखों खोले देखे हमारे अंदर क्या धन दिए गए हैं, हम कौन है। हालेलुया। 1:18-19 तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया है कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक काम के नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया हर एक नाम के ऊपर बैठाया
यीशु मसीह को मरे में से जिला कर उसको ऊपर स्थान में ले गए, उसके अंदर सामर्थ्य कार्य किए, वही सामर्थ्य तुम्हारे में मेरे में कार्य कर रहा है। यही आंखें खुल जाए, अभी अभिषेक के बाइबल स्टडी में हम आएंगे, ये वचन में भी हम आएंगे, लेकिन अभी मैं शमशेद में पता देता हूँ, पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं अभिषेक कलीसिया वाले की आंखें खुल जाएं, इच्छापुर कलीसिया वाले की आंखें खुल जाएं, मेरे आंखें खुल जाएं। बुलावट के पीछे एक बड़ी आशा है, हम परमेश्वर के लिए हम मीरास है। मैंने कहा प्रभु हमारे लिए मीरास है, प्रभु के लिए हम मीरास है। इस भेद को समझ लो, आप कीमती है, प्रभु कीमती है, आप भी कीमती है। आपके बुलावट के पीछे बड़ी आशा है, बुलावट कीमती है, बुलावट स्पेशल है कि नहीं। अभी सडनली आपके पास लेटर आ गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आपका लेटर आया, आपको रिवार्ड दिया जाएगा रिपब्लिक डे में। हाँ, क्या करोगे? उछलना शुरू कर दोगे? अरे मेरा को रिवार्ड मिलने वाले हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर देने वाले हैं, वो लोग फोटो खींचेंगे, इतना ढोल पिटा देंगे, सबको बता देंगे मुझे रिवार्ड मिल रहा है। लेटर आए, कॉलिंग आए, इंटरव्यू आ गए, बुलावट आ गए, लेकिन मेरे बच्चों लोग स्वर्गीय बुलावट बड़ा है, ये बुलावट बड़ा है, स्वर्गीय बुलावट है। और दुनिया वाले तो झूठ मूठ भी होते हैं, कभी बुलाया पता चला वहाँ आप जाके पता चला वो भी एक स्कैम है, कहीं ऐसे लेटर आ गए। आजकल मैंने फॉरवर्ड भी किए, किसी का लेटर मैसेज आता है, तुम लाइट बिल नहीं भरा, लाइट कनेक्शन कट हो जाएगा, इस नंबर में फ़ोन करो। मुझे तो एंटी का भी आया, मेरा भी आया, दो तीन मैसेज आए, इसलिए मैं घबरा गए। बाद में पेपर में भी देखा, मैंने पेपर में भी लिखा, काफ़ी लोगों के पास ये मैसेज गया, जो भी उस नंबर में फ़ोन करेंगे उनके लिए लोग कुछ गड़बड़े कर देते हैं, इसलिए मैंने तुरंत भेजा था, ऐसे ऐसे मैसेज को डिलीट कर दो। तो ऐसे दुनिया में घोटाला होता है, कॉलिंग भी होगी, पता चला झूठ मूठ के हैं, लेकिन स्वर्गीय बुलावट अटल है। स्वर्गीय बुलावट परमेश्वर की तरफ से है, विश्वास योग्य है, आपको बुलाया, विश्वास योग्य है, जानने के लिए आपकी आंखें ज्योतिमय हो जाए, प्रकाशमान हो जाए, खजानों को देखो, जानो, पाओ। अगर मालूम पड़ गए इसमें इतना है, मेरे बुलावट के पीछे ये है, बुलावट को हम फेंकेंगे नहीं। हम कोई सूरत शहर में इतने सालों से हम पड़े हुए हैं, कितने बार हम निराश हो गए, कितने बार हम हार मान लिए, कितने बार हम थकावट हो गए, कितने बार हमारा जीवन में परीक्षाएं आई। पिछले साल तो आपको मालूम है, अप्रैल महीने में मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, ऐसे जगह पर पड़ा हुआ, मुझे कोई आशा नहीं लग रहा था, पता नहीं मुझे ऐसे ही पवित्र आत्मा मुझे मदद किए, ऐसे इतना ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था, कोई डॉक्टर भी नहीं आ रहा था, नर्स भी नहीं आ रहा था, ऐसे अनाथ जैसे मैं पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे कैसे मालूम नहीं है, मैं आराम से मैं सो गए, ये लोग सोया नहीं, ब्रदर भी सोया नहीं, ब्रदर बोलते थे मैं आके पास्टर जी बाहर खड़ा रहूँ क्या? अच्छा, मन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मददगार कोई नहीं है। कभी कभी आपका जीवन में अच्छे लोग भी आपका मदद नहीं कर पाएंगे, केवल सपोर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएंगे। दुखों की गहरे दुखों के मार्ग पर मैं अकेले जाते रहा, कोई मददगार न था, घर दुखों के मार्ग पर मैं अकेले जाते रहा, कोई मददगार न था। अच्छा सामारी तो बन के आया, गांवों पर तेल माला चने दिया, अच्छा सामारी तो बन के आया, गांवों पर तेल माला चने दिया,
तुझसा कोई नहीं, तुझसा ईश्वर नहीं, बोलने और करने में तू है सबसे महा। तुझसा कोई नहीं, तुझसा ईश्वर नहीं, बोलने और करने में तू है सबसे महा। तो ऐसा हालत था कि मैं बचूंगा नहीं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, मेरे ऊपर की बुलावट है, मेरे परिवार के ऊपर बुलावट है, प्रभु के बच्चों लोगों की प्रार्थना की उत्तर है। परमेश्वर ने मुझे मृत्यु के फाटक से बचा कर लेकर आया। 5 दिन के बाद मैं घर पे आ गया। मालूम है मेरे से कम उम्र वाले, मेरे से कम प्रॉब्लम वाले कुछ लोग दुनिया छोड़ के चले गए हैं, कुछ लोग अभी भी ऑक्सीजन सपोर्ट में जी रहे हैं बहुत खर्चा करने के बाद भी। तो परमेश्वर के बुलावट हमारे जीवन में होने से हमारे लिए जो भी होगा, जैसे गाना में गाए हैं, जो उनके प्रेम करते हैं उनके लिए सारे बातें, अभी ये भी गवाही बन गई। शैतान सोचा इसको मार डाले, लेकिन आपके लिए गवाही आपके सामने, जो प्रभु के विश्वासी। अब मैं भी देखो बड़ा दास, ये मत सोचना मैं भी आपका एक जैसे विश्वासी हूँ। मेरे लिए भी आपके जैसे प्रॉब्लम्स है, मेरे लिए भी आपके जैसे चैलेंजेस है, चुनौतियाँ हैं, लेकिन ये कि परमेश्वर मेरे लिए विश्वास योग्य है, आपके लिए भी रहेगी। आप इस धन को जानो, समझो, पाओ। इसके लिए परीक्षा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन विजय पाएंगे। जैसे शिष्य जी ने बोला, अंतिम विजय हमारा विजय हमेशा। ये शब्द हम कलीसिया में बार बार बताते हैं, कवास में भी हो, पाल में भी, इच्छापुर में, हमेशा ये शब्द हम घोषणा करते हैं, अंतिम विजय हमारा विजय। खजानों को पाएंगे, पाने बगैर रहेंगे नहीं, इसका अनमोल समझेंगे। पौलुस बोलता है, फिलिप्पियों को किताब में पढ़ोगे, फिलिप्पियों को 3 अध्याय में बोलते हैं, मैं दौड़ा जाता हूँ, मेरे बात ये नहीं, मैंने पा चुका हूँ, मैं पा चुका ये नहीं सोच रहा हूँ, पाने का इरादा में दौड़ते रहता हूँ, सब चीज़ों को कूड़ा समझता हूँ, हालेलुया मसीह को प्राप्त करो। फिलिप्पियों को 3:7-8, फिलिप्पियों 3:7-8, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करो। यही जो यीशु का दृष्टांत है, यहाँ पर पौलुस बोलते मसीह को पाना है, हर चीज़ों को नष्ट समझता हूँ, कूड़ा समझता हूँ। जो मुनाफा है, मुनाफा इज इक्वल टू नुकसान। हाँ, मेरे लिए मुनाफा फायदा, अभी जाएंगे कुछ नौकरी करेंगे, अभी अगर आंटी भी कुछ टीचर का नौकरी करेंगे, मैं भी जाके कोई नौकरी ढूंढ लूँ, मुनाफा मिलेगा, कितना भी मिलेगा, लेकिन ये धन के सामने वो नुकसान रहेगा। अभी मुनाफा नहीं हमारे लिए फ़ायदा, मसीह को पाना, उसके पवित्रता को, उसके विश्वास योग्यता को, उसका प्रेम को पाने से ये सब कुछ नहीं है। हमारा पढ़ाई कुछ नहीं, वहाँ जाएंगे स्वर्ग राज्य में गेट में डिग्री बताओ। हाँ, कुछ लोगों के पास बोलते हम 3 PhD किए हैं, 3 PhD से क्या कमा रहे हैं? धन काम में आना चाहिए, स्वर्गीय धन काम में आएगा, काम करेगा। पढ़ाई को तुच्छ नहीं गिनता हूँ, लेकिन पढ़ाई भी प्रभु के लिए, नौकरी भी प्रभु के लिए,
गाड़ी भी प्रभु के लिए, मकान भी प्रभु के लिए है कि नहीं, बेटा भी प्रभु के लिए। इब्राहिम को प्रभु ने बेटा को दिया, काफ़ी साल के बाद बोलते हो बेटा तुम्हारा नहीं मेरा है। आज मम्मी लोग पापा लोग सोच लेना, आपका बेटा आपका नहीं, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा, चुप रहो मेरा बेटी मेरा बेटी। प्रभु बोलेंगे तुम चुप रहो, मेरा बेटा मेरे को दो, मेरे को नहीं 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 नहीं, ये नहीं दे पाएंगे प्रभु जी, ये तो अच्छा पढ़ा लिखा अच्छा नौकरी कर रहा कमा रहा है, उसके और दूसरा लड़का है ऐसे घूमते रहते हैं बेकार का, कोई कमा नहीं रहे उसको दे दे रहा हूँ किसको देना है हाँ अच्छा देना है बढ़िया देना। बाइबल का एक नियम मालूम है हमारा, उस नियम के हिसाब से मेरे दोनों ही बड़े, मेरे बड़े छोटा का मीनिंग नहीं है। फर्स्ट बॉर्न क्या, पहला उठा प्रभु के लिए है, देने में कोई नुकसान नहीं होगी, देने से जो पाएंगे केवल पैसे ही नहीं, बात मत सोचो पास्टर जी पैसे के लिए हमसे मांग रहे हैं, पैसे तो आप लोग दे रहे हो मेरे को मालूम है, कितने लोग दशांश दे रहे हो आपके लिए मैं लिख के दे सकता हूँ, अनुभव से बता सकता हूँ, आपका जीवन में कभी भी पैसे की कमी आपको होगा ही नहीं है, कहीं भी अद्भुत रीति से पैसा आपके लिए आते रहेगा, वो तो अलग बात है, वो भी एक बात है, लेकिन प्रभु के लिए अपना बच्चों को दो, अपना जो भी है दे दो, खजाना है उसको पाना है, देना है, लोगों के पास पहुंचाना है। बोलते मैं पाँचों का ये नहीं सोच रहा हूँ, मुझे पाना है, दौड़ना है, और भी पाना है, बोलते हैं मुझे पाना है। फिलिप्पियों को 3:13-14 पढ़ना, ये भाइयों मेरी भावना ये नहीं, मैं पा चुका हूँ, पकड़ चुका हूँ। रोमियो फिलिप्पियों को 3:13-14, हे भाइयों मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, मेरी भावना माइक के किट्टा वी पड़ी मैंने कई लट, मेरी भावना ये नहीं मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह है कि परंतु केवल एक काम करता हूँ, परंतु केवल एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि उस इनाम को पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। बोलते हैं मैंने पा लिया, गाना गाते हैं ना बच्चे लोग, लेकिन बोलते मैंने पाया नहीं पौलुस बोलते मैं पाया है लेकिन पूरा पाया नहीं, मुझे और भी पाना है, और भी जानना है, और भी चंगाई चाहिए, और भी छुटकारा चाहिए, हर भूतों को भगाना है। आंटी प्रार्थना की भूतों को हम खुद भगाना चाहिए, नहीं तो हम नहीं भगाएंगे, दूसरे भगाने से भी वापस आकर के हमारा मन में बैठ जाता है, हम भगाने से आ नहीं पाएगा वो, क्यों भगाते हैं, क्योंकि वो हमारा खजाना को खा लेगा, हमारा पैसा को बर्बाद कर देगा, हमारा शरीर को खाएगा, हमारा मन को गंदा करेगा, गवाही को बिगाड़ देगा, सेवकाई को तोड़ देगा। बोलते मैं पीछे छोड़ देता हूँ जो बातें मेरे लिए अच्छा लगता था, एक ज़माने में स्टाइलिश हेयर रखता था मैं पास्टर जी क्या हेयर, आपका तो हेयर है नहीं फोटो दिखाता हूँ स्टाइलिश हेयर, अभी मेरे लिए वो आप लोग रखो, लेकिन मुझे वो ज़रूरी नहीं है, परमेश्वर की अनुग्रह मिल गया, बहुत बड़ी खजाना मिल गया। बोलते हैं पीछे रह गया, वो सब पीछे रह गया जो जो हमने अचीव किए, अप टू डेट यही बोल याद रखो, पहले अचीव किए वो नहीं, अभी अचीव करना लास्ट तक। हाँ दौड़ने वाले अच्छे से दौड़ते गए, निशान आ गए, निशान उसके पहले रुक गए तो लोग बोलेंगे अरे 10 किलोमीटर दौड़ के आया था यार,
बेचारा दे दो प्राइस, प्राइस देने वाला क्या करेंगे, नहीं दे पाएंगे। एक आदमी का कहीं मैं देख रहा था एक वीडियो, इतना परेशानी से दौड़ के आए, बगल में जाके उसका कुछ पैर वैर टूट गया, कुछ हो गया, लेकिन उसने क्या किया, छोड़ा नहीं, शरीर खींच खींच के भी हाँ अपना यही पौलस बोलते, मैं मेरे शरीर को हाँ क्या करता हूँ, मारता हूँ कूटता हूँ और वश में करता हूँ ताकि मैं इनाम को पाऊँ, दूसरों को प्रचार करके मैं खुद बिगड़ न जाऊँ। इस ढंग से फिनिश लाइन निशाने की ओर प्रेरित 20 में बोलते, किसी बात की मैं चिंता नहीं करता हूँ, मेरे जान को भी प्रिय नहीं जानता हूँ। मालूम है ऐसा वचन मुझे बहुत मोटिवेट करता है, एक ही तो चाहता हूँ, वो वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरित 20 का 24 प्रेरित को 20 का 24, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानो, प्रिय जानो, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करो जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। देखे आनंद से पूरी करना बोलते, मैं प्राण को भी वो तोलता है, अपने दराज में रखता है, बैलेंस में। हाँ, इब्राहिम ने बैलेंस में रखा, ऐसा कर रखा एक जगह में प्रभु को रखा, बाद में बोला ऐसा तो हल्का फुल्का है, प्रभु ही महान है। वैसे पौलस भी बोलते हैं, पौलस बोलते मेरे कॉलिंग, मेरे बुलावट ये है, इधर इधर में तराज में दूसरे जगह में अपना जान है, बोलते भी जान भी चला जाए बुलावट को मैं पूरा करके ही जाएंगे। जैसे वो आदमी का मैंने एग्जाम्पल दिए, दौड़ के गए, कैसे भी जान भी चला जाए मुझे फिनिश लाइन को क्रॉस करना है। हले लकीनों की वोड ग्रेन, हले ले हम सब कड़े हो जाएंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे। दौड़ रहा लक्ष्य की ओर, तेरे दिन में पाऊ इनाम, दौड़ रहा लक्ष्य की ओर, तेरे दिन में पाऊ इनाम, रूबरू जब देखू मैं तुझको, बन जाऊ मैं तेरे समान, रूबरू जब देखू मैं तुझको, बन जाऊ मैं तेरे समान, यीशु मेरे तेरे प्रेम ने इस दिल को चू लिया है, मुझको है मिला सर्वोत्तम बात, हर दम मैं तेरी स्तुति करूँगा, मुझको है मिला सर्वोत्तम बात, हर दम मैं तेरी स्तुति करूँगा। स्वर्ग पिता हम धन्यवाद देते हैं आज का इस वचन के द्वारा, मेरे साथ मेरे बच्चों लोगों के साथ, भाई बहनों के साथ आपने बात किया है, सनमोल खजानों को हमने पाए हैं, इस पाए हुए चीज़ों का मैं कोना नहीं है। कभी भी प्रभु जी दुनिया में कुछ भी संकट आने से भी, परेशान होने से भी, हम कभी भी हमारे विश्वास को त्यागे नहीं, तुच्छ न गिने। इस खजाना अनंत काल की खजाना है, बड़ा धन से भी बड़ा है, बड़ा ज्ञान से भी बड़ा गुप्त ज्ञान है, आप हमारे लिए आत्मा के द्वारा दिया है। इस ज्ञान को हम संभालें, इस बुलावट को हम संभालें, इस बुलावट को जैसे पौलस बोलते हैं, मेरा जान को भी प्रिय नहीं जानता हूँ, जान को भी छोड़ने के तैयार हूँ, लेकिन बुलावट को मैं छोड़ूंगा नहीं, बुलावट से पीछे नहीं हटूँगा, कभी पीछे नहीं हटूँगा, विश्वास को रखवाली करूँगा। आखिर में पौलस कहता है, मैंने मेरे दौड़ को पूरी कर ली, मैंने विश्वास को रखवाली की, मेरे लिए मुकुट रखा हुआ है। इस ढंग से प्रभु जी आप हमारे लिए भी उस मुकुट को देने वाले हैं, हम लोग आखिरी तक विश्वास योग्य रहें, परिवार में भाई बहन बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, सबके साथ विश्वास योग्यता में हम रहें, किसी के लिए हम धोखेबाजू न रहें, किसी को ठोकर का कारण न रहें, किसी को बरमाने वाला न रहें, पाखंडी न रहें। प्रभु जी हम विश्वास योग्य रहने के लिए प्रभु आपका पवित्र आत्मा हमें मदद कर, लहू के अंदर पंखों के नीचे और आत्मिक दुनिया में संभालिए। हरे को हम आशीष करते हैं, चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं,
तेरा ज्ञान की हालेलुया प्रकटीकरण मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं, आत्मा की आंखें खोलने के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक के लिए आपने किया विश्वास करते हैं, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता। आमेन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा बना रहे हैं। आमेन।